नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। चाइल्ड लाइन ने चलाया बाल श्रम बचाओ अभियान, दुकानदारों में मचा हड़कंप। जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी के दिशा निर्देशानुसार चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर पूनम शर्मा के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड, भोपा पुल, महावीर चौक, मीनाक्षी चौक स्थित रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की आदि की दुकानों पर बाल श्रम बचाने का अभियान चलाया गया। वहीं चाइल्ड लाइन टीम ने बच्चों से बात की और उनके परिवार के बारे में जानकारी ली और माता पिता के बारे में पूछताछ की गई। चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर पूनम शर्मा ने रेस्टोरेंट से चाय दुकानों के मालिकों को जमकर हड़काया और कहा कि अगर आगे से कोई भी बाल श्रम कराता हुआ मिला तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर 20,000 का जुर्माना ठोका जाएगा। कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए सड़कों पर, चौराहों पर, दुकानों के आगे सोने वालों को चाइल्ड लाइन टीम ने शेल्टर हाउस भिजवाया और कहा कि यह आप लोगों के लिए ही रैन बसेरे बने हुए हैं, जिसमें आप चैन की और आराम की नींद सो सकते हैं। चाइल्ड लाइन टीम ने बताया कि यह अभियान लगातार चलता रहेगा और कोई किसी तरह की अगर ऐसी समस्या है तो हमारे नंबर 1098 पर फोन करके सूचना दे सकता है, जिसका तुरंत निस्तारण होगा। विशाल प्रजापति, पवन, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम पूनम शर्मा है, चाइल्ड लाइन डायरेक्टर। मैं आज आप लोगों ने एक अभियान चलाया है बाल श्रम के लिए, क्या है ये? हमारे यहाँ नियम साहब जी के आदेश भी हैं और आज क्राइम एसपी की हमारे यहाँ मीटिंग भी थी। ये ऊपर से आदेश आए हुए हैं कि जो बच्चे रात को सड़क पर लेटे हुए हैं, जो वृक्षावृत्ति कर रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए को जो है सड़क पर ना लेटने दें, ठंड में इनका अरेंजमेंट करेंगी। और उसके साथ साथ जो बच्चे रात को नशा करते हैं, बाहर दुकानों पर सोते हैं, या जो औरतें हैं उनके पास कोई भी नहीं है साधन, उन लोगों को देखने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पर निकली हुई है। हमें 2 घंटे हो गए हैं और हमने सब जगह देखे हैं, हमने उनको समझाया भी है। हमने जो है सिविल लाइन से लेकर के जो है कचहरी, रेलवे स्टेशन, रोडवेज, शिव मूर्ति, उससे आगे की तरफ, फिर हम यहाँ मीनाक्षी चौक पर हैं। मैम, जैसे अभी आपने सर्वे किया है, क्या किस तरह की कोई बच्चे मिले? काफ़ी बच्चे मिले हैं हमको। उन 2 बच्चे रोडवेज पे थे, बहुत छोटे, जो कि लखनऊ से आए थे बता रहे हैं, तो वो बहुत परेशान थे। उनको हमने जो है रैन बसेरा में भेजा है और उनको पूछा है भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, हमने अपना नंबर भी दिया है उन्हें कि कोई परेशानी होगी आप तुरंत हमें फ़ोन करें, हमारे बच्चे यहाँ पर आएगी। उसके साथ और भी जो बच्चे थे गुब्बारे वगैरह बेच रहे थे, हमने उनको बुला करके उनके गार्जियन को समझाया भी, इस तरह बच्चों को गुब्बारे वगैरह मत बेचने दो, जो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है हम लोगों को बताओ, हम लोग दूर करेंगे। मैम, जबल मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत सारी मतलब दुकानें या शोरूम ऐसे है जहाँ ढाबे होटल है जहाँ बच्चे काम करते हैं छोटे छोटे, अभी तो अभी 26 तारीख से अभियान चलाया जा रहा है इन बच्चों के लिए ही, जिसमें हमारे डीएम साहब बहुत ज़्यादा, डीएम साहब हैं, डीपीओ साहब हैं, क्राइम एसपी हैं, ये सब लोग बहुत ज़्यादा, श्रम आयोग है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इन बच्चों को रोकने के लिए। और हमारी टीम हर विभाग से हर टीम निकलेगी और इन बच्चों को रोकने के लिए जो भी इनके लिए साधन बन सकेंगे वो साधन हम लोग उत्पन्न करेंगे। अगर कोई भी होटल मालिक या कोई भी बच्चों से बाल श्रम करवाता है जी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उन बच्चों को 20,000 का उस दुकानदार को जुर्माना है और जो है आगे श्रम विभाग का है कि वो उनके ऊपर कितना सजा का वो देता है। अभी कब तक चलेगा अभियान? 15 दिन।